नो मनी फॉर टेरर नामक संगठन का मंत्रिस्तरीय दो दिवसीय तीसरा सम्मेलन दिल्ली में आयोजित हुआ, जिसमें भारत सहित 73 देशों के 450 प्रतिनिधि और बहुपक्षीय संगठनों और वित्तीय कार्यबल प्रतिनिधि मंडल के प्रमुख भाग ले रहे हैं। इस सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आतंकवाद को समाप्त करने के लिए एक व्यापक, सक्रिय और व्यवस्थित प्रतिक्रिया की जरूरत है। टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस गेट मनी थ्रू सेवरल सोर्सेस। One fourth is state support. Certain countries support terrorism as part of their foreign policy. उन्होंने कहा कि यदि हम चाहते हैं कि हमारे नागरिक सुरक्षित रहें, तो हमें आतंकवाद को अपने घरों में आने का इंतजार नहीं करना चाहिए, बल्कि आतंकवाद की वित्तीय सहायता पर अंकुश लगाने का प्रयास करना चाहिए। उन्होंने आतंकवाद को पूरी मानवता पर हमला बताया। उन्होंने किसी देश का नाम लिए बिना कहा कि कुछ देश अपनी विदेश नीतियों के तहत आतंकवाद का समर्थन करते हैं और उन्हें राजनीतिक, वैचारिक और वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं। नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि ये जरूरी है कि हम संयुक्त रूप से कट्टरवाद और उग्रवाद की समस्या का समाधान करें। भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने भी सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि अगस्त 2021 के बाद दक्षिण एशियाई क्षेत्र में स्थिति में बहुत परिवर्तन आया है और सत्ता परिवर्तन, अलकायदा और ISIS का बढ़ता प्रभाव क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती के रूप में उभरा है। उन्होंने कहा कि नए समीकरण ने टेरर फंडिंग की समस्या को और गंभीर बना दिया है।